पाठ आठ, एक सबक ऐसा भी। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ये एक स्टोरी है पिंकी और उसके भाई पिंटू की। तो देखिए क्या है स्टोरी। पिंकी नदी के किनारे जो है रेत पर घर बना रही है और उसका घर बनाकर उसे देखकर घर को देखकर बहुत खुश होती है। और उसका भाई पिंटू यह चीज़ देखता है और दौड़ा दौड़ा आता है, अपने पैरों से मार कर उसके बनाए हुए घर को गिरा देता है। तो इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। वो सोचती है कि एक दिन मैं भी इसको एक सबक सिखाऊंगी। तो कुछ दिन बाद पिंटू भी ताश के पत्तों से घर बना रहा था। यह सब उसे पिंकी एक जगह खड़ी होकर उसे देख रही थी घर बनाते हुए। तो वह पिंटू को सबक सिखाना चाहती थी। वह दौड़ कर मेज की तरफ आई और पिंटू के ताश के घर को गिराने की कोशिश करती है। तो इतने में क्या होता है कि पिंटू डर जाता है और कहता है कि इसे मत तोड़ो, इसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो पिंकी ने कहा कि तुमने भी तो मेरा रेत का घर तोड़ दिया था, मैंने भी उसे बहुत ही मेहनत से बनाया था। तो पिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि अब मैं कभी इस तरह से तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हारी बनाई हुई चीज़ को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो फिर इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि हमें किसी के उत्साह को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को प्रोत्साहित करना अच्छी बात होती है। मतलब अगर हमारे भाई बहन या हमारे दोस्त कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए, ये नहीं कि उन्हें हर्ट करना चाहिए या उनकी चीज़ों को ख़राब करना चाहिए।